तो सेट थ्योरी शुरू करेंगे हम लोग आज। फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का सेट थ्योरी है। दिस वन इज द इजीएस्ट वन इन फैक्ट। सेट का कोई आइडिया है आप लोगों को? सेट इसको कह सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेट? एनीवन? इफ वी से सोफा सेट, व्हाट पिक्चर्स कम इनटू आवर माइंड? सोफा सेट मींस सेट ऑफ फर्नीचर्स, राइट? तो सोफा सेट कहते हैं तो पिक्चर हमारे माइंड में आता है सेट ऑफ फर्नीचर्स, राइट? डिनर सेट कहते हैं तो दैट द पिक्चर दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज सेट ऑफ किचन अप्लायंसेस, कलेक्शन ऑफ किचन अप्लायंसेस। सोफा सेट मींस कलेक्शन ऑफ फर्नीचर्स। सो सेट क्या है बेसिकली? सेट, अब एक चीज और समझते हैं। अगर मान लो फर्नीचर और किचन अप्लायंसेस को मिक्स कर दे तो उसको क्या हम नेम दे सकते हैं? नहीं, नेम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। या फिर अगर हम कहें मोस्ट रिलायबल एंड ड्यूरेबल सोफा सेट, तो मोस्ट रिलायबल एंड ड्यूरेबल सोफा सेट एज सच हो सकता है कि वर्ल्ड में जो आप सोच रहे हो उससे अधिक रिलायबल और ड्यूरेबल हो। या फिर आपका ओपिनियन जो है, मान लो सुप्रीम फर्नीचर को लेकर के है कि दिस इज द मोस्ट रिलायबल, मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो जहां पर मोस्ट लीस्ट ये वर्ड्स आते हो वो वेग वर्ड कहलाते हैं। कौन सा वर्ड कहलाते हैं? वेग वर्ड, ठीक है, मतलब जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, ठीक है। वेग वर्ड मीन्स जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हो तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको सेट नहीं कहेंगे, वो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मीनिंग जो है क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं। तो सेट फिर किसको कहेंगे? सेट कहेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया? वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम कहते हैं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये वेल डिफाइंड है कि काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, वेल डिफाइंड है। अगर हम कहते हैं कि कलेक्शन मींस सेट ऑफ, या फिर ऐसे समझिए क्लास 11 स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एजेज ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो आपने जो क्लास 11 स्टूडेंट्स के जितने बच्चे हैं उनके एज या डेट ऑफ बर्थ का आपने कलेक्शन अगर किया हुआ है तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मींस ऐसा नहीं, वेग वर्ड नहीं है, क्लैरिटी है कि क्लास 11 स्टूडेंट्स के एज की बात कर रहे, ठीक है। तो सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट दैट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर, क्रिकेटर, क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, इसकी बात करें, मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये सेट बनेगा? बताओ, ये सेट बनेगा? ये सेट नहीं होगा। क्यों? मोस्ट वर्ड जो है, मोस्ट फेवरेट, आपके लिए मोस्ट फेवरेट कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है,
फॉर समबडी एल्स कुछ और हो सकता है। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं वेग वर्ड। क्या कहते हैं? वेग वर्ड कहते हैं। तो मोस्ट लिस्ट ये वर्ड जो है वो वेग वर्ड कहलाते हैं। तो वेग वर्ड अगर हो तो वो सेट नहीं हो सकता, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेट को ना पहली बात तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? अगर हमने अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर हम एलएन जो मेंबर्स हैं उसको रखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, और ये जो मेंबर्स है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, इनको कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया एन को। अच्छा, जितने भी हम सेट हैं उसको हम अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ए बी सी, इस तरह से हम सेट का नाम देते हैं। दूसरा जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो दूसरा जो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो हाउ डू वी राइट और हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म? तो उसी तरीके से जैसे आप एन सेट लिया था उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, ये जो कलन सिंबल है ये सच दैट के लिए लिखते हैं। अभी हम सारे सिंबल्स देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं और उसका मीनिंग। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बस ऐसे लैंग्वेज में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, बट इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह से। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड फॉर डिनोटेशन, स्टैंडर्ड सिंबल क्या क्या यूज होते हैं उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहला हमने बात करी कि सेट जो लिखते हैं ना वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम यूज करते हैं। ठीक है, एक दूसरा इसका मतलब होता है सच दैट, ये क्या है सच दैट। ठीक है, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल,
जिसको मैं सबसे अधिक यूज करता हूँ फॉर ऑल लिखने के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब इज अ सबसेट ऑफ, और इसका मतलब इज नॉट अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनियन, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब यूनियन, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब ओर से भी ओर कहते, इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड ठीक है, और क्या क्या डिनोटेशन है, तो इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी ए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, डब्ल्यू होल नंबर, क्यू रेशनल नंबर, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, जेड इंटीजर्स, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, आर रियल नंबर्स, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब बात करेंगे इंटरवल्स की, ठीक है, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है ये। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं अभी। जैसे मान लो a लेस देन x लेस देन b है, तो इसको हम लिखेंगे a b इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं है। इट मींस ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, बट a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये होता है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, और ये a कॉमा b, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, and a and b both included, a and b both included, इसका मतलब ये होता है। types of set की बात करेंगे, okay? So we have the first one is null set. Null set is also known as the name of empty set. Empty set. Null set or empty set is the set which does not contain any element, जिनके पास कोई element ना हो,
a set which does not contain any element. और ये जो सेट है ना, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैसे, इसको देखिए, इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स और वैकेंट, कुछ नहीं, एम्प्टी, 4, 5 पढ़ते हैं, 5, ठीक है, 5, PHAI, 5, ठीक है। नल सेट को 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सेट हमारा सिंगलटन सेट इज द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। देखो, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। अगर ये हम एलिमेंट 5 लेते हैं इस तरह से, तब भी ये नल सेट नहीं है, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यहाँ पर 5 एक एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंगलटन सेट है ये नल सेट नहीं है, ठीक है। सिर्फ 5 है तो ये नल सेट है, लेकिन 5 अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट है। सिंगलटन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ये सिंगलटन सेट होता है। तीसरा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, वैसे ही बता देता हूँ। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हो, काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट होता है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। देखो, यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स कंटेन्स ऑल द क्रिएचर्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, ओशियन, सी, माउंटेन्स, ईच एंड एवरीथिंग, सन, स्टार्स, एवरीथिंग। Universal contains all the things. Universe contains all the things. Similarly, universal set को ऐसे समझिए, एक ऐसा set जिसमें बाकी सारे set के elements हों, मौजूद हों। A set which contains all the elements of the given sets. तो universal set को मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और इसके अंदर सेट हो जाएगा, मान लो ए सेट है 2, 4, 6, 8, बी सेट है 1, 3, 5, 7, सी सेट है 1, 2, 4, 6, 7, 8, डी सेट है आपका सेट है 1, 2, 3, 5, 7। तो वी कैन सी दैट कि जितने भी ए बी सी डी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं, ठीक है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, क्योंकि वो उसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इक्वल सेट्स, ठीक है,
इक्वल सेट्स की बात करेंगे। इक्वल सेट्स क्या होता है? अगर ए और बी दो सेट हैं, उसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, तो उसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे सबसेट के बाद कि ए और बी अगर एक दूसरे के सबसेट हो, मतलब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो ये ए इक्वल्स टू बी होगा। अब हम सबसेट की बात करेंगे, ठीक है, सबसेट की बात करेंगे और इसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसेट्स फिर आगे बढ़ेंगे, पहले एक सबसेट्स की बात करने के बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है? मान लो ए कोई सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4। We can see that A के सारे एलिमेंट B में है। हाँ, B में ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो A में नहीं है। तो A सबसेट है B, मतलब A के सारे एलिमेंट B में है। तो all elements of set A are contained in set B, are contained in set B. Set A के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो A को कहेंगे A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट, ठीक है। Now number of subsets, नंबर ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। मान लो सेट ए गिवन है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट ए गिवन है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए ये कितने होंगे? ये होंगे 2 की पावर 3। तो अगर एन ए हमारा एन है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा? 2 की पावर n होगा। ये समझना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ए जो सेट है उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? एनीवन? 8 होंगे, यस, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए विल बी 8। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट सारे सेट्स के सबसेट्स होते हैं, ये समझना है, ठीक है। नल सेट सभी सेट के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का थ्योरी क्या, अभी हम दूसरे अकॉर्डिंग्स में हम क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है।